खुदाबख्श लाइब्रेरी जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, खुदाबख्श खां के कोशिशों का नतीजा है, जो उनके पर्सनल एसेट्स के बुनियाद पर खड़ा हुआ। और ये जगह भी वही है जहाँ ये खुद रहा करते थे। खुदाबख्श खां वो खुद एडवोकेट थे और उनके जितने भी अपने एसेट्स रहे, जो भी प्रॉपर्टी रही, उन्होंने इस लाइब्रेरी को डेवलप करने में, बनाने में लगा दिया। अपने फादर से उन्होंने 1400 के करीब मैनुस्क्रिप्ट्स और बुक्स इनहेरिट करी। और जब वो खुद उनका इंतकाल हुआ खुदाबख्श खां का, तो लगभग 4000 बुक्स एंड मैनुस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थे इस लाइब्रेरी में। इस इनके लैंग्वेजेस अरबिक, पर्शियन, उर्दू, हिंदी, संस्कृत हैं, और टर्किश लैंग्वेजेस में भी कुछ मैनुस्क्रिप्ट पाए जाते हैं। दुनिया भर में जो ये मशहूर है लाइब्रेरी, बेसिकली मैनुस्क्रिप्ट्स के लिए ही मशहूर है। 1891 में खुदाबख्श खां ने इस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जेनरोसिटी का एक्ट था। बहुत दिलवाले होते हैं वो लोग जिन्होंने ये पूरी लाइब्रेरी पब्लिक के लिए ओपन कर दी 1891 में। फिर 1969 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट वाज डिक्लेयर्ड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ले लिया गया और आज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के देखरेख में ये लाइब्रेरी आती है। पिछले ज़माने में इस लाइब्रेरी में कोई 60 के करीब स्टाफ मेंबर्स हुआ करते थे, आज घटते घटते 28 रह गए हैं। और लाइब्रेरी एक तो सर्व करती है कुछ बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स, सिविल सर्विसेज से लेके मेडिकल, इंजीनियरिंग, और हर तरह के कॉम्पिटिशन का लिटरेचर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। कर्जन रीडिंग रूम जो है एक है यहाँ का, वहाँ पर कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का टाइम हुआ करता था, अभी ये कुछ महीनों से 9:30 से 5 तक का टाइम चल रहा है। लेकिन ये कर्जन रीडिंग रूम बिल्कुल बच्चों से भरा रहता है, और इसकी भी मुस्तकिल डिमांड है कि इसका टाइम को एक्सटेंड किया जाए। अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ज़रा माहौल ठीक रहे तो इसका टाइम वाइम भी एक्सटेंड किया जाएगा। लेट्स होप सो। इनको बच्चों को सारे प्रोवाइड करते हैं हम लोग लिटरेचर, और बैठने की सहूलतें दी जाती हैं। पूरे अशोक राजपथ में शायद ही कोई ऐसा रीडिंग हॉल होगा जहाँ इतने सुकून से पढ़ने के लिए बच्चों के वास्ते ये फ्री इंतज़ाम होता हो। दे रन फॉर दिस प्लेस कि हमें किसी तरह से यहाँ स्पेस मिला करे पढ़ने के लिए। दूसरा हिस्सा जो है लाइब्रेरी का वो रिसर्च पर्पज़ के लिए है। वहाँ रिसर्च स्कॉलर्स और हायर स्टडीज़ के लिए लोग आते हैं। हिंदुस्तान से तो आते ही हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ रिसर्चेस के लिए आते हैं, स्पेशली वर्किंग ऑन मैनुस्क्रिप्ट्स जो सूफिज़म पे हैं, हिस्ट्री और सूफिज़म पे। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेजर हाउस है मैनुस्क्रिप्ट्स का, जिस पे काम करने के लिए लोग आते रहते हैं दुनिया भर से।